नमस्कार, मैं डॉक्टर मेड्यूसा। शायद आपने मुझे कभी अपने फोन के छोटी सी स्क्रीन पर देखा होगा। मैं आमतौर पर भाषा और राजनीति के मिश्रण से व्यंग्य पैदा कर आज के मुश्किल समय की त्रासदी में हास्य लाने की कोशिश करती हूँ, मगर आज मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आज भारत के संविधान को बचाने की हमारी लड़ाई के आखिरी चरण का पहला दिन है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण का पहला दिन। अपना वोट डालने जरूर जाए। वोट डालिए नफरत के खिलाफ, धार्मिक आडंबरों के खिलाफ, धर्म का धंधा करने वालों के खिलाफ, इंसानियत के हत्यारों के खिलाफ। वोट डालिए बीजेपी के खिलाफ। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि वोट डालने जाएं तो अपने घर पे रखा अपना सिलेंडर जरूर देखकर जाइए। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देती हूं, इस बार सिलेंडर देख के जाइए और बाइक और कार की टंकी भी देखकर जाइए। कैबिनेट में रखा दवाइयों का डब्बा देख के जाइए, किचन की सब्जी, दाल, दूध, दही देख के जाइए, बच्चों के स्कूल की फीस, होम लोन का ईएमआई देने के बाद वॉलेट में बचे पैसे देख के जाइए, कोविड के फर्स्ट वेव में मरे अपने दोस्तों की या परिवारजनों की फोटो देख के जाइए, हर साल लीक हुए किसी पेपर को देने के लिए निकाला अपने बेटे या बेटी का एडमिट कार्ड देख के जाइए, एमएससी या पीएचडी की डिग्री लिए डर डर भटकते रास्ते के नौजवानों को देख के जाइए। ईश्वर में आस्था की जगह अपने बच्चों के दिलों में लहराती तलवारें और बदन में कौंधता भद्दा नाच देख कर जाइए। हर दिन थोड़ा और सहमति अपनी बेटी, बहन, माँ, दोस्त को देख कर जाइए। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे बने झुग्गियों के टूटते घरों को देख कर जाइए, उस बुलडोजर को भी देख के जाइए जो न जाने कब आपकी जिंदगी भर की कमाई पर चल जाए, कटते जंगलों को, उन पर बने एयरपोर्ट्स को देख कर जाइए, बाबा साहेब की टूटती मूर्तियां या जलती तस्वीरें या दलित महिलाओं के जबरदस्ती जलाए शव या आदिवासी व्यक्ति पर बरसती किसी सवर्ण की मूत्र की धार देखकर जाइए। और हाँ, टोपी पहनने, हिजाब लगाने, नमाज पढ़ने या गोश्त खरीदकर ले जाते हुए अपने मुसलमान दोस्त या पड़ोसी के चेहरे के डर को भी देखना मत भूलिएगा। ये सब याद रखकर, अपने जहन में भरकर इस बार वोट देने जाइएगा, वोट देकर आइएगा और हो सकता है आखिरी बार के लिए ही सही तसल्ली कीजिएगा कि आपने अपने हिस्से की क्रांति कर ली है। रिमेंबर, नो वोट टू बीजेपी, वोट वेल।